तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और कल हम लोग गए थे डबल डेकर फ्रिज पे, तो वहाँ पे हमारा लंबा कट गया। तो आज हम लोग दूसरे रूट पे जाने वाले हैं, जो कि होगा हमारा डॉकी, जो बांग्लादेश बॉर्डर पे है। तो दुबे कुछ कहना चाहोगे? हाँ भाई, कल तो खैर काफी उम्मीदों से गए थे डबल डेकर, बार बार उसका जिक्र किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे पहुंच नहीं पाए। सो आज हमने प्लान ऐसा बनाया है कि शायद आज मतलब वापस ना लौटे, आज कम से कम कुछ तो। तो आज हम लोग डॉकी पे जाके बोटिंग करेंगे और बहुत ही क्लीन वाटर है, तो लेट्स एक्सप्लोर दैट प्लेस। एक चीज और आपको दिखाएंगे, वो है वहां से बांग्लादेश का बॉर्डर। सो होप सो कि आज हम लोग वहां तक पहुंचेंगे जरूर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा रूम है, ये हम लोगों ने 550 रुपए में एक रात के लिए लिया है। तो हमने बहुत कम रुपए हमारे स्टे में इन्वेस्ट किए, क्योंकि ताकि हम लोग बाकी ये जो रुपए हैं ये हम लोग हमारे ट्रैवलिंग में खर्च कर सकें। तो दोस्तों, ये हमारा रूम जो हम लोगों ने शिलोंग में लिया है, एक बेड ये रहा और एक बेड ये रहा। तो फिर मिलते हैं रास्ते में आपसे। चलो फिर। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग आ चुके हैं रास्ते में, यहाँ पे दो रास्ते दिख रहे होंगे, एक जा रहा है आपके लेफ्ट साइड, एक जा रहा है राइट साइड। तो जो राइट वाला जो रास्ता है ये आपका जाएगा चेरापूंजी, और ये जो रास्ता है जो कि एक ब्रिज से होते हुए इस साइड जा रहा है, वो है आपका डॉकी का। तो हम डॉकी के रास्ते पर आ चुके हैं और वो रास्ते डॉकी जाते हुए आपको बीच में ये व्यू पॉइंट मिलेगा। एंट्री फी है 20 रुपीज पर हेड। ये इसका नाम है, नाम अभी पता क्या नहीं आ रहा है, क्या दिखा रही है, ये दिखाओ ना, नाम पता पहाड़ी पहाड़ भाई। भाई लेवल 8 है ये। मैं तो लेवल 8 बोल सकता हूँ। बिल्कुल हो रहा है, हम लोग पहाड़ वाले पहाड़ को रेटिंग दे रहे हैं। स्वागत है आपका डॉकी विलेज में, वहाँ दिखा सकते हो शानदार फूल है। आओ इधर से जाओ। बताइए क्या चीज है ये? ये मसाला बेर इमली, बांग्लादेश का लोकल फ्रूट, बहुत टेस्टी है। बांग्लादेश का है? हाँ, बांग्लादेश सिलेट का है ये चीज। अच्छा, ये भी सेम चीज है? बांग्लादेश सेम चीज है, डब्बा में पैकिंग। सिलेट, सिलेट हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेट, और वो जो गांव है ना ये कपलॉक। अच्छा, और बता दो दुबे ये कहाँ? तो इसमें मैं बताऊंगा कि ये जो आप स्टोन देख रहे हैं बड़ा सा यहाँ पर रखा हुआ है, और इसमें अराउंड ये जो बोर्ड है, ये जितने भी रेडी वेडी यहाँ पे लगे हुए हैं, साथ में वो जो आखिरी में आप देख रहे हैं वहाँ पे पिलर है। तो इसके उस तरफ पूरा बांग्लादेश है, इसके इस तरफ आपको पूरा इंडिया दिखेगा। मतलब जहाँ हम लोग खड़े हैं ये यहाँ दिखाया है, ये पिलर है, ये है मेन बॉर्डर, ये पूरी लाइन जो जा रही है इधर से ये वाला पहाड़ पत्थर। तो यहाँ हम लोग अभी इंडिया में खड़े हुए हैं, तो बांग्लादेश में चले क्या? चलो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, एक और देश में घुमाएंगे नेपाल के बाद। ये हम लोग डॉकी में आ चुके हैं, और ये रहा इंडिया का पिलर, और जस्ट यहाँ से आप वो एक किलर देख सकते हैं वाइट वाला, वो है बांग्लादेश का। और ये जो आप टूरिस्ट देख रहे हैं, ये सारे हैं बांग्लादेशी टूरिस्ट। और अभी हमें एक बांग्लादेशी भाई मिले थे, तो बता रहे थे वो कहाँ से हैं, और इस तरफ जो पूरे हमारे इंडियन टूरिस्ट हैं, और वो जो वहाँ से रोड से हम लोग आते हैं,
और वहाँ से ऊपर बोटिंग वाले आपको मिल जाएंगे, आपको नीचे लेके आएंगे और ये बोटिंग कराएंगे। ठीक है, हम लोग ब्रिज क्या क्या बॉर्डर क्रॉस करना चाहेंगे इस बॉर्डर को? चलिए आप नहीं, मैं क्रॉस कर लेता हूँ। क्रॉस करके आ, तो अब आप इस टाइम बांग्लादेश में हैं। एक काम करिए, आप एक बार वहाँ, एक बार यहाँ डालिए। यस दोस्तों, ये डॉकी के आसपास थोड़ा सा पार्क जैसा एरिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। पार्क है क्या है पता नहीं, बट ये देख रहा है, इट्स वेरी मेसमराइजिंग सीन, बहुत सही लग रहा है। हम लोग अभी बस बोटिंग की तरफ जा रहे हैं और हम लोग दो बंदे और ढूंढ रहे हैं ताकि हमें बोटिंग सस्ती पड़े। चढ़ के दिखाओ दुबे भाई, चढ़ो तो नहीं पाएंगे। फिर कैसे जीटीओ करोगे, कैसे एयरफोर्स ऑफिसर बनोगे? अभी हिम्मत नहीं, देखते हैं क्या हो रहा है। अरे वो चल रहा है, चल भाई इसे वो कर सकते हैं, बैलेंस बीम। बैलेंस बीम अरे दिखाओ हमारे 10 मिनट। ये देखो यहाँ पे ये जीटीओ टास्क है, ये तुम वहाँ तो कर नहीं पाए, यहाँ पे करके दिखाओगे। लेकिन किसी ने वहाँ पे बैलेंस बीम किया था और देखिए उस बीम को अनबैलेंस कर दिया है। हाँ देखिए, यहाँ पे दुबे नहीं किया था, दुबे की वजह से ये नीचे हो गया। मंकी क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, चले फिर बोटिंग करते हैं। मंकी क्रॉलिंग तो कर सकते हैं ना। चलो अब तो दोस्तों आपको दिखाते हैं बोटिंग एक्सपीरियंस एट डॉकी। तो दोस्तों बोटिंग शुरू हो गई हमारी, दुबे हमारा दूसरी बोट पे चला गया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3% अलाउड है। हम लोगों ने डिवाइड कर लिया अपने आप को ताकि हम शेयरिंग के साथ घूम सकें। बहुत ही साफ पानी है, देख सकते हैं आप। तो करना पड़ेगा ना। 1 बजे शुरू हुआ है हमारा, 1:10 पे देखते हैं कितनी देर तक वोटिंग कराएंगे। ये घूमने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये जो आप ब्रिज सामने देख रहे हैं, ये क्रॉस करके हम लोग इधर आए थे, इधर अब वोटिंग पॉइंट। शांत पानी है आप देख सकते हैं। क्या आपको पानी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है? यार ऐसा लग रहा है कि इससे साफ पानी मैंने कहीं देखा ही नहीं। दोस्तों ये रहा दुबे, और दुबे जाओ उस रैपिड में गिरो जाके। भाई मैं रैपिड जाऊंगा तो मैं वहां मिलूंगा आगे, तुझे ढूंढ लूंगा मैं, टेंशन ना ले। बहुत ही सही माहौल लग रहा है। कहाँ बैठा दुबे? दुबे सही मजे ले रहा है। क्या बोल रहा है दुबे? ये पानी बहुत ही साफ है, बहुत ही पीने वाला। ठीक है दिखाओ, प्रूव करो ये बहुत क्लीनेस्ट रिवर है इंडिया की। भाई मैं पी चुका हूँ बीच में, पियो पियो वो कुल्ला करने के लिए नहीं बोला था। अच्छा दोस्तों वो रहा वो ब्रिज, आ रहे हैं। बाय बाय दुबे भाई, नहीं अब ये नहीं रुक सकती भाई। दुबे जाता हुआ उस तरफ। तो दोस्तों हम लोगों का डॉकी हो गया है पूरा, अब हम लोग जा रहे हैं मालिंगलोंग, जहाँ पे एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है और वहीं पे सिंगल रूट ब्रिज है। और वो चीज़ जहाँ से हम लोग जाएंगे वो पड़ेगा बॉर्डर के साइड पे, तो आपको वो भी मिलेगा। चलो बॉर्डर पे ना तो एयरटेल चलेगा ना जियो चलेगा, चलेगा तो चलेगा लोकल इंसान चलेगा यहाँ।
30 किलोमीटर एक घंटा ड्राइव करके यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं लिविंग ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज जो हम कल नहीं देख पाए थे। बस ये अंतर हुआ कि ये सिंगल डेक हुआ। चलो कल जब हमने देखा था, बल्कि देखा ही नहीं था क्योंकि हम वहाँ पहुँचने से पहले देर हो गए थे। तो अभी हमने कोशिश करी कि हम सिंगल डेकर तक तो पहुँच ही जाएं कम से कम, और दिखाते हैं आपको लिविंग रूट ब्रिज। तो चलिए, क्या बोल रहे हो? हाँ, मतलब यही बात है कि हारा हुआ इंसान जीतने का और बेताब होता है। तो बस कल हार गया था, जीतने के लिए कम से कम लिविंग रूट ब्रिज तो देखना ही है। सिंगल डेकर ही सही भाई, फिर से वैसी चालू हो गई यार। तो अभी हम लोग आ गए हैं लिविंग रूट ब्रिज के पास। आज तक अभी ऐसे कुछ देखा तो नहीं था, देखते हैं कैसा लगता है। हमने कम से कम एक तो लिविंग रूट ब्रिज देखा, और ऊपर डबल डेकर बनाने की उसमें कोशिश में तो है। चलो भाई लिविंग रूट ब्रिज पे चलो भाई। हमें कुछ नॉर्मल लग रहा है, कुछ खास नहीं लग रहा हमें। उस पर जाए तो भले नॉर्मल लगे, उस वाले पे, ये तो पीछे है इसके। हल्का हल्का से करके टिका हुआ है। आप देख सकते हैं क्लियर व्यू ऑफ लिविंग रूट ब्रिज सिंगल डेक दुबे। क्या ये वर्थ इट था? जी ठीक है, मतलब हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड। सही है, मतलब ओवर हाइप किया गया इसको। बट आप जब रास्ते में आएंगे यहाँ तक के, तो आपको काफी चीजें आपको ऐसे दिखेंगी। तो सर जब यहाँ पहुँचे तो आपको उतना फैसिनेट ना करे, बट हाँ अच्छा शक्कर है, ठीक है। तुम लाइक प्लेस, तुम कहाँ के प्रेसिडेंट हो जो इसको जज कर रहे हो? बोलते जाओ भाई। प्रेसिडेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर तो है। चलो इसी के साथ बंद करते हैं तुम्हारी बातें। तो दोस्तों लिविंग रूट ब्रिज को हमने देख लिया है, हम बस उसी ब्रिज से होके जा रहे हैं, हम उसी को क्रॉस कर रहे हैं अभी। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारे तोड़ के मानोगे क्या। तो लिविंग रूट ब्रिज के बाद हम जाएंगे अब सीधा वर्ल्ड के क्लीनेस्ट विलेज के पास, उसको देखते हैं कैसे क्यों है विलेज क्लीनेस्ट वर्ल्ड का, आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर वहीं पे डायरेक्ट। स्वागत है आपका क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। देखते हैं कितना क्लीनेस्ट है, देख करके मालूम हो जाएगा। ये कैसा ब्रिज है भाई, ज्यादा लोग आएंगे तो कहीं गिर गिराना जाए। और जो आवाज आ रही है ना वो देखो, हाँ बिल्कुल जंगलों के बीच में रहते हैं। बड़ा काम आप निकलते होंगे यहाँ पे रात में, लग रहा है निकलते ही होंगे भाई। तो बात है देखो, हमने तो तुमसे कहा था ना यहाँ पे भी रहना पॉसिबल नहीं है। तुम तो यार बहुत कुछ कहते हो, लोग यहाँ पे इसका मजा तो ले लो जो जहाँ आए हो तुम। ये तो मुझे वो सैन एंड्रियास से वो होता है ना, बीच में एक वो होता है, बगल बगल में घर होता है, वो लगता है।
तो दोस्तों हमारा क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। दुबे आप देख सकते हैं पीछे पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने जस्ट पानी पिया है। और इसी के साथ हम अपने शिलोंग की तरफ निकलेंगे क्योंकि अभी बज गया है 4:30 और हमें 6-7 बजे तक पहुंचना है ताकि अंधेरे से पहले हम पहुंच सकें।